इसका जो टेस्ट है ना खट्टा मीठा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ अपने इलाके होम टाउन सुमानी आज़ाद कश्मीर की एक खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट बागसर किला, बागसर झील और कथियाला जीरो पॉइंट जिसको हम कहते हैं। जैसा कि आपने मेरे पिछले चैनल की पिछली वीडियो में देखा होगा जीरो पॉइंट मैंने एक्सप्लोर किया था, तो आज फिर दोबारा मैं अपने एक दोस्त के साथ वहीं जा रहा हूँ और साथ में आपको दिखाऊँगा कि वहाँ क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। बागसर झील का आपको नज़ारा दिखाऊंगा, उसके बाद बागसर फोर्ट किला, देन फिर आगे हम चलेंगे जीरो पॉइंट पे अगर मौसम साफ हो गया। मौसम क्योंकि बहुत ही आज क्लाउडी है तो पता नहीं है रेन आ सकती है, अगर मौसम ने साथ दिया तो हम जीरो पॉइंट तक जाएंगे। ये टूरिस्ट कार्ड हमने विजिटर कार्ड ले लिए तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जा सकते हैं आगे तक। सो आएगा इस मेरे साथ चलते हैं। अभी हम पहुंचे हैं जनाब बागसर किले के दरमियान के बिल्कुल सेंटर में, वो सामने ऊपर बागसर किला है। अगर आप मेरे कैमरा में दिखा सकें आपको, वो ऊपर सामने बागसर किले का टावर नज़र आ रहा है। तो अभी हम पहुंचे हैं जनाब बागसर किला और बागसर लेक के दरमियान। लेक हमने पीछे छोड़ दी है, उस पर कंस्ट्रक्शन का कुछ थोड़ा काम था तो इसलिए हमने कहा जी लेक अभी हम एक्सप्लोर नहीं करते, वापसी पर देखते हैं अगर कोई टाइम मिला हमें या फिर वहाँ से उन्होंने मशीनरी हटाई हुई हो तो फिर हम वो लेक पे जाएंगे। अदरवाइज़ अभी हम जा रहे हैं ऊपर बागसर फोर्ट पे, किला आपको दिखाएंगे आज, साथ थोड़ा सा आगे जाएंगे अगर मौसम ठीक रहा, क्योंकि आर्मी वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शन हमें ये दी गई है कि मौसम ख़राब है तो आपने जल्दी वापस आना एक, और साथ उन्होंने आगे बिल्कुल बॉर्डर जीरो पॉइंट जाने से मना कर दिया है कि आज आप जीरो पॉइंट पे नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह हम किसी दिन फिर टाइम निकाल के आपको जीरो पॉइंट की सैर करवाएंगे। तो अभी आप मेरे साथ आएँ बागसर किला। हम इस टाइम फाइनली बागसर फोर्ट पे आ चुके हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने बाइक अपना पार्क कर दिया है, ये मेरा बाइक है, ये मेरे पीछे बागसर फोर्ट है। तो अंदर चलते हैं और साथ में इसकी आपको हिस्ट्री साथ साथ बताते चलता हूँ। किला बागसर, बागसर किले के बारे में कोई हतमी रवायत मौजूद नहीं है कि ये कब और किसने तामीर करवाया, तहम गुमान गालब यही तसव्वुर किया जाता है ये किला मुगलिया सल्तनत के शहनशाहों ने तामीर करवाया। ये किला दो हिसार पर मुश्तमिल है और इससे सराय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, दिफाई लिहाज से भी इस किले को खास अहमियत हासिल ही है। किला बागसर वादी समानी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है, यही वजह है कि फायरिंग का खतरा यहाँ हर वक्त मंडलाता रहता है। इसके बरक्स ये इलाका किसी जन्नत से कम तर नहीं, सियाहों का दाखला यहाँ ममनू है, अगर विजिट पास आर्मी आपको देती है तो आप विजिट कर सकते हैं।
फेमस मुगल शहनशाह जहांगीर कश्मीर से वापसी पर 1627 में सराय सादाबाद के करीब वफात पा गए। जिस्म को महफूज रखने के लिए शहनशाह के जो जिस्म के अंदरूनी आज़ाद थे ना, जस्ट लाइक दैट के आंधे वगैरह, उनको निकाल कर यहाँ दफन कर दिया गया और बाकी जो जिस्म था उसको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। आंतों को यहाँ इसलिए दफन किया गया ताकि लाहौर जिस्म को मुंतकिल करते हुए जिस्म बदबू ना छोड़ जाए। अभी जी हम आपको दिखाने लगे जी कश्मीरी जंगली सौगात। ये देखिए जी जंगली सौगात है कश्मीरी। वो कैसे खाते हैं दिखाना खा के। ये देखिए जी ये लगे हैं हाथों गया सबर कश्मीरी सौगात। वो सामने नीचे ना जो पहाड़ी नज़र आ रही है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, उनको हम कश्मीरी जुबान में कहते हैं आखरे। क्या कहते हैं आखरे आखरे आखर आई है बच्चे ना। अच्छा इसका जो टेस्ट है ना ये आप देख सकते हैं। ओह सॉरी गिर गया। इसको दिखाता हूँ उतार के ना। आ रहा हूँ यार लेट्स वेट। वैसे ये जो है ना देखें नज़र आपको कैसे आ रहा है। इसको जब हम खाते हैं ना इसका जो टेस्ट है ना खट्टा मीठा। एक और खाते हैं उतार। ये देखिए मैं ये उतार लेकिन यहाँ से भाई आओ। इसके साथ में कांटे भी लगे हुए तो बड़ी एहतियात के साथ इसको उतारना पड़ता है। अब ये दो मैंने उतारे हैं देख सकते हैं। जब मैं खाने लगा मज़ा आ गया यार। चलें वो बागसर किला चलते हैं हम बागसर किले के अंदर हेडिंग टू वॉक। यस दिस फाइन बागसर फोर्ट। देखें बहुत पुराना तकरीबन 1600 में ये बना फोर्ट। फोर्ट 1600 का देख सकते हैं जस्ट लाइक उसी तरह ही है। इसको रेनोवेट भी नहीं किया गया सेम उसी हालत में है उसी कंडीशन में है। ये दौर का ये मेन इंटरेस्ट है बागसर फोर्ट की लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस एस्टैब्लिशमेंट की वजह से सिक्योरिटी रीजन की वजह से किले के अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है। तो हम बाहर से आपको दिखाते हैं बाहर से इसका व्यू क्या है यहाँ ऊपर से। तो आइए हम आपको ऊपर से दिखाते हैं। हमें जैसा कि मैंने आपको बताया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन दरवाजे के अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है। बाहर से नज़ारा दिखा दो तो फिर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक सब्सक्राइब तो बनता है एक लाइक तो बनता है। चले आए आपको कुछ मैं व्यू दिखा दूँ। ये देख रही है सामने किले का दरवाज़ा व्यू दिखा दूँ। ये देख रही नीचे कहावलियाँ बंडाला LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हम लोग। और अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो छोटी पहाड़ी आपको नीचे बीच में नज़र आ रही है इसको मैंने अभी जूम किया है ये मंगलदेही किला है मंगलदेवी या मंगलदेही जो इसका नाम है मुझे अभी सही नहीं आता। मंगलदेही किला है इसका कनेक्शन इस किले के साथ है इस किले के साथ वहाँ सुरंग वो सुरंग जिसको कहते हैं ना ये वाया सुरंग कनेक्ट है आपस में दोनों के लिए। ये नीचे आज़ाद कश्मीर का इलाका है जो देख कर लें आप। और अभी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के मैं आपको कुछ घर दिखाता हूँ। ये जब भी आप घर देख रहे हैं ये इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट के कुछ घर हैं और उस जगह का जो नाम है मुझे सामने घर नजर आ रहे हैं ना तो उसका नाम क्या है कलियाला
कलियाला, हाँ कलियाला जगह उसका नाम। तो ये नीचे कहा किला है, लेकिन वेदर आज यार प्लेजेंट है, क्योंकि अगर धूप होती ना तो फिर तो हमारी बैंड बजनी थी आज। यू चेक करो यार, लिटरली यार दिल ये करता है कैंप ले आऊँ घर से उठा के, कैंप ले आए बंदा और यहाँ तो वो बंदा के इधर लगा दे, वो बैर लगा दे ठीक है, या फिर बंदा इधर के स्पोर्ट्स जगह पर ना लगा दे, कैंपिंग कर ले रात इधर स्पेंड करे। लेकिन पता नहीं मुझसे क्या है, यहाँ सांप बोलते हैं आजकल, सांपों का मौसम है, सांप बोलते हैं, क्योंकि इतना देर तो हमें लगना नहीं है इतने एंटी बेन हॉस्पिटल तक पहुँचने में, बंदे की डेथ हो जाती है, इसलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो अच्छा, किले के अंदर हमें शूटिंग की इजाज़त देगी सिर्फ आधे मिनट के लिए ना, तो मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें दिखाता हूँ। ये सामने पौंड है, तालाब, ये ऊपर मस्जिद है, जो मंदिर है वो दूसरी साइड है, लेकिन वहाँ कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वहाँ हम शूटिंग नहीं कर सकते। अच्छा जी, हमने अभी किला अंदर से देख लिया, अनफॉर्चुनेटली यार किला अंदर से तो मीन के काफ़ी डेवलपेबल उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न हमें वहाँ शूटिंग अलाउड नहीं है, कैमराज हमारे ऑफ होते हैं। तो अंदर सिंपल मैं आपको बता दूँ अंदर है क्या क्या, एक छोटा सा पौंड है, तालाब है, तालाब के साथ साथ और क्या है, मंदिर है, छोटा सा मंदिर बनाया हुआ उन्होंने, मंदिर के बाद क्या है मस्जिद है, ये गेट से एंटर होते साथ ही आपको वो पीछे ना थोड़ी नज़र आ रही होगी वो मस्जिद है, अंदर तो मस्जिद है, यहाँ से एंटर होते साथ ही मस्जिद है, अंदर मस्जिद के बाद अगर इस साइड देखा जाए ना, इस साइड ये जो जगह ये वाली, इस साइड ये वाली जगह, यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे दरबार हाल है, जहाँ बादशाह बैठता था, दरबार हाल जो भी सीन है। तो टॉप पे ऑब्जर्वेशन बे, फायर बे, ये चीज़ें ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न यार, अंदर जगह जगह सिक्योरिटी की बहुत चीज़ें लगी हुई हैं। आई एम नॉट एम कोई ट्रू पाकिस्तानी लवर, तो बीइंग ए सिक्योरिटी रीज़न ऑफ पाकिस्तान आई एम नॉट सपोज टू टेल, तो इसकी वजह से वहाँ शूटिंग अलाउ नहीं है, क्योंकि सामने दुश्मन है, वो देखें सामने दुश्मन है, वो जितना भी इलाका आपका नज़र आ रहा है वो सामने दुश्मन का इलाका, वो देखें सामने दुश्मन का इलाका है वो, तो हम कौन ऐसी जरूरत करता ना कि अपनी मुहब्बे वतन के खिलाफ कोई एक चीज़ बर्दाश्त करें। नीचे चलते हैं, अभी हम आपको कुछ और दिखाते हैं इस रस्ते से, वो व्हाट्सएप जा रहे हैं तो हम भी उधर जा रहे हैं, रास्ता बड़ा स्टीफ है। और यहाँ आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आप इधर आते हैं तो तकरीबन आपको सनग्लासेस जो मैं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल यूज़ ना करें आप, बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता, सनग्लासेस आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि यूज़ करें, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस यहाँ सांप होते और है भी इंडियन कॉमन क्रेट, कॉमन क्रेट है जो इस टाइम एशिया का बल्कि पूरे पूरी वर्ल्ड का ना सबसे वेनमस सांप है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाले सांप में से सबसे वेनमस सांप है इंडियन कॉमन ग्रेट, जिसको हम पहाड़ी जबान में कौन सा सांप कहते हैं, कोडियों वाला। अच्छा जी, ये देखें गेस्ट हाउस थे उस दौर के, जो बादशाह के पास गेस्ट आते थे, अगैन कश्मीरी से हुआ था, ये देखें दरख्त ही दरख्त है, यहाँ से सुरंग भी है नीचे, वैसे मैं आपको नीचे से व्यू दिखा दूँ, जरा इधर आए मेरे साथ, नीचे का व्यू है, ये नीचे पंडाला का व्यू है यार, ये जो साउंड होती है हवा चल रही हो कीड़ों की ना आपस में हवा टकराती है, जब इतने मज़े की क्लासिक साउंड होती है यार, मैं क्या कहूँ, आई हैव नो वर्ड्स यार, अस्तबल उसको क्या है,
पॉइंट है, पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन बे ठीक है, बस सामने फिर दोबारा आ गया इंडियन ओकोपर्ट कश्मीर का व्यू। टॉप से ये व्यू है, ऐसा बना फोटो अंकल जी डार्क शॉट। अच्छा आप यहाँ से मंगल देवी किले का मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, मैं मार्कआउट करूँगा। ये जो जगह नज़र आ रही है ना आपको छोटी बड़ी, ये मंगल देवी है किला उनका, उनके पास है और उसका और इस किले का आपस में वाया इंटरलैंड कनेक्शन है जिसको हम अपनी जबान में सुरंग कहते हैं। हेलो, मेरा घर बहुत नीचे है उस इलाके में, उस जगह यार। बट वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि नया कपल होता है ना शादी शुरू से शादी होती है किसी की, वो हनीमून पे इधर आते हैं लेके घर से इधर आके अभी हम चलते हैं नीचे, यहाँ कुछ टूरिस्ट हैं आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। टूरिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश वैसे ये इतना प्यारा व्यू आप लोगों को दिखाई है, कितना प्यारा व्यू दिखाया आपको, अब तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है और अगर ज़्यादा प्यार आता है तो फिर एक शेयर भी कर दो। इतना प्यारा इलाका आपको दिखाया है यार, बदकिस्मती से नहीं हम ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, वरना फुटेज अच्छी आपको दिखा दो। ये बाक्सर किले का व्यू है। अच्छा जी, हाँ किले से ना एक साइड से ना झील का व्यू आता है, बड़ा प्यारा सुंदर व्यू आता है। लेकिन यहाँ पर मसला पता क्या है, ये झील में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी इसकी सफाई होगी और इसके इर्द गिर्द आगे तो मशीनें लगी हुई थी, मशीनें हाथ ले गई तो कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं गए, हमने गाय में मशीनों की गड़ा गड़ा खाएंगे। तो वो सामने पीछे इलाका डन्ना ब्रोच चाई, वो पीछे पीछे ना आपको जो छोटे छोटे घर नजर आ रहे हैं, ये नीचे बंडाला मोड का भी यहाँ डल बंडाला, तो आगे सुमानी सिटी टाउन कमेटी, नीचे बागसर, ये बागसर का छोटा सा इलाका मज़े का इलाका। ये हुआ सूर्य साहब, यहाँ पे ना तो ठीक है गाइस, ये था बागसर फोर्ट का छोटा सा टूर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।